ये शक्तियाँ तोहफा नहीं, श्राप है। 5000 सालों से एक गहरी नींद सो रहा है। मैं शांति प्रिय हूँ, ना ही आत्मसमर्पण करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करें ड्यूएन जॉनसन स्टार फिल्म ब्लैक एडम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म ब्लैक एडम का डे 4 के अंदर इंडिया बॉक्स ऑफिस पर टोटल 5.75 से लेकर के 6.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म ब्लैक एडम का अभी तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 23.55 से लेकर के 24.05 करोड़ का नेट इंडियन रुपीस कलेक्शन हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म ब्लैक एडम के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड में $140 मिलियन हो चुका है, जहां फिल्म का $66.9 मिलियन यूएसए से, तो वहीं $73.1 मिलियन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंक्लूडिंग इंडिया को मिलाकर है। दोस्तों फिल्म ब्लैक एडम के बजट की बात करें तो फिल्म ब्लैक एडम को $200 मिलियन और 1654 करोड़ बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $140 मिलियन हो चुका है। दोस्तों फिल्म को काफी पॉजिटिव और काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिल्म की बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर सिनेमाटोग्राफी तक सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपको सुपर हीरो फिल्म देखने में एक्साइटमेंट देता है। दोस्तों फिल्म एगडम आपने देखी या ना देखी, अगर आपने नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाए और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऋषभ शेट्टी स्टार फिल्म कंटारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कंटारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 की, तो फिल्म कंटारा का डे 24 के अंदर 6.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा, जहां फिल्म ने कर्नाटक से 1.5 करोड़, हिंदी से 3.5 करोड़, तेलुगु से 1.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म कंटारा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 163.5 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म ने कर्नाटक से टोटल 97.5 करोड़, हिंदी से 23.5 करोड़, तेलुगु से 21.7 करोड़, तमिलनाडु से 1.75 करोड़, तो वहीं फिल्म का ओवरसीज से 12.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म कंटारा की बात करें तो फिल्म कंटारा को मात्र 16 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, और फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कमाई करने के मामले में दुगनी तिगनी कमाई कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। दोस्तों आप सभी को बताते चलूं कि फिल्म को हिंदी वर्जन में 14th of October 2022 को रिलीज किया गया था, वहीं फिल्म की ओरिजिनल भाषा को 30th of September 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। दोस्तों फिल्म कंटारा आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पोनियन सेल्वन 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 के बारे में। बात करें चान विक्रम ऐश्वर्य राय बच्चन कार्ति त्रिशा कृष्णन एंड जयम रवि स्टार फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 की, तो फिल्म का डे 24 के अंदर वर्ल्ड वाइड 1.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा, जहां फिल्म ने तमिलनाडु से 1.2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म पोनियन सेल्वन 1 का टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 485.85 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से टोटल 219.7 करोड़, ऑल इंडिया से 319.7 करोड़, ओवरसीज से 164.2 करोड़, हिंदी से 19.89 करोड़, तेलुगु से 19.2 करोड़, वहीं फिल्म का केरला से 23.9 करोड़, तो वहीं फिल्म ने कर्नाटक से 30.6 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। दोस्तों फिल्म पोनियन सेल्वन 1 अपने 500 करोड़ के आंकड़े को बहुत जल्द छूने वाली है। फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के बजट की बात करें तो फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के दोनों पार्ट्स को मिलाकर 500 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, जो कि फिल्म ने अपने पहले पार्ट से ही अपने बजट के आंकड़े को रिकवर कर गई है। दोस्तों फिल्म पोनियन सेल्वन 1 अपने देखी या ना देखी, नहीं देखी तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऋतिक रोशन सैफ अली खान एंड राधिका आप्टे स्टार फिल्म विक्रम वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 के बारे में। दोस्तों बात करें साउथ की रीमेक फिल्म विक्रम वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 की, तो फिल्म का डे 24 के अंदर 0.4 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म विक्रम वेधा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 79.9 करोड़ का हो चुका है, वहीं फिल्म का टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 128.5 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दो कि फिल्म विक्रम वेधा साउथ की फिल्म विक्रम वेधा का हाई प्रोफाइल हिंदी रीमेक है। फिल्म को 175 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म को अपने बजट के आंकड़े तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म डॉक्टर
जी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म डॉक्टर जी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 की, तो फिल्म डॉक्टर जी का डे 10 के अंदर 1.41 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म डॉक्टर जी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 24.55 करोड़ का हो चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आयुष्मान खुराना स्टार फिल्म डॉक्टर जी को 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म को हिट होने के लिए 45 करोड़ के आंकड़े को चुना होगा। फिल्म डॉक्टर जी आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या रहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म गॉडफादर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म गॉडफादर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 की, तो फिल्म गॉडफादर का डे 19 के अंदर 0.6 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म गॉडफादर का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 119.65 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म गॉडफादर को 135 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों चिरंजीवी एंड सलमान खान स्टार फिल्म गॉडफादर को आपने देखी या ना देखी, अगर आपने ये फिल्म को नहीं देखी तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं रणबीर कपूर स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 45 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 45 की, तो फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिवा का डे 45 के अंदर 0.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 424.64 करोड़ का हो चुका है। जहां फिल्म ने हिंदी से टोटल 237.39 करोड़, तो वहीं फिल्म का इंडिया और लैंग्वेज से 251.83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों ये था लेकर जो हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए मेरी इस एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।